खबर है नामांकन में शक्ति प्रदर्शन से जुड़ी हुई, क्योंकि बात चुनाव की भी होनी चाहिए। उपचुनाव जिसको लेकर 13 नवंबर को मतदान होंगे। मध्य प्रदेश में दो सीटों पर विजयपुर और बुधनी में चुनाव होंगे और उपचुनाव को लेकर अब तैयारी लगातार प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। अब तैयारी है नामांकन की भी, क्योंकि नामांकन होने जा रहा है और आज विजयपुर में जब नामांकन करेंगे वन मंत्री रामनिवास रावत और जो कि प्रत्याशी भी हैं विजयपुर से, और उनके नामांकन में आज शक्ति प्रदर्शन होगा बीजेपी का। खबर यह है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद उनके नामांकन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई दिग्गज नेता भी रामनिवास रावत के नामांकन में शामिल होंगे, मौजूद रहेंगे और ये शक्ति प्रदर्शन भी है। आपको ये भी बता दें कि आज जब नामांकन होगा तो उसमें तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता कार्यकर्ता जुड़ेंगे। रामनिवास रावत आज नामांकन करने जा रहे हैं और खबर यह है कि नामांकन से रामनिवास रावत ने नामांकन से पहले पूजा अर्चना की है। छिमछिमा हनुमान मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है। रामनिवास रावत ने विस्तार न्यूज से बात की। उपचुनाव में विकास ही मुद्दा है, ये कहना है रामनिवास रावत का, और उपचुनाव में जीत हमारी होगी ये भी दावा कर रहे हैं। विस्तार न्यूज संवाददाता अनिल गौड़ ने विजयपुर प्रत्याशी रामनिवास रावत से बात भी की है, सुनिए। आज विधिवत पूजा की है, आज नामांकन भी भरेंगे आप? आज नामांकन दाखिल करेंगे, हमारा हर काम। हम तो वैसे भी ये प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है छिमछिमा हनुमान मंदिर के दर्शन करने वैसे भी आते रहते हैं। देखते हैं कि जब शुभ काम होता है तब आप यहाँ दर्शन करने के लिए जरूर पहुँचते हैं? नहीं, बिना रेगुलर आते रहते हैं, शुभ कार्य होता है तो आते ही। नामांकन दाखिल करेंगे, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे आप, तमाम बीडी शर्मा भी रहेंगे, सभी लोग रहेंगे, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, बीडी शर्मा जी भी रहेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जी रहेंगे, प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला भी रहेंगे और एंदल सिंह कंसाना भी रहेंगे और सांसद जी रहेंगे दोनों। एक अंतिम सवाल यह है, कौन कौन से अब की बार मुद्दे रहने वाले हैं इस चुनाव में? विकास, तो बिल्कुल ये बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरीके से जब कोई शुभ काम होता है तो यहाँ प्रसिद्ध छिमछिमा हनुमान जी पर जरूर आते हैं, और साथ ही उन्होंने कहा है कि सिर्फ उनका विकास का मुद्दा है, वो विकास के मुद्दे पर ही वो चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। रामनिवास रावत से बातचीत सुनी आपने, कम बोलते हैं वो, दो शब्द बोलेंगे लेकिन बड़ी बात बोलेंगे, और उन्होंने एक शब्द कहा कि विकास, और विकास के आधार पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है विजयपुर में उपचुनाव में। अब आगे विजयपुर के लोगों का भी क्या कहना है, उनसे भी बात की है हमारे सहयोगी अनिल गौड़ ने। विजयपुर के लोगों की इस बात को आप सुनिए। हम पहुंचे हैं विजयपुर विधानसभा में, जहां उपचुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। अब इस विधानसभा में आम लोगों के क्या मुद्दे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं, हम पहुंचे हैं ऐसी ही चाय की दुकान पर। सुबह का वक्त है, यहाँ के लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। पहले चाय वालों से ही बात कर लेते हैं, क्या माहौल है, क्या माहौल है अभी चुनाव का? ठीक चल रहा है साहब, बीजेपी का चल रहा है। लोग यहाँ जब आते हैं आपके पास सुबह बैठने के लिए, चाय पीने के लिए, क्या चर्चाएं होती हैं? बीजेपी की होती है। माहौल है चुनाव का, क्या मुद्दे हैं आपकी बात आम लोगों के? यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, एक तो यहाँ की जनता की जो भावनाएं हैं वो ये चाहते हैं कि विजयपुर से लेकर दिल्ली तक सरकार भाजपा की है, और रामनिवास रावत जैसा इतना बड़ा नेता यहाँ जनता में लोकप्रिय है और उनके पारिवारिक संबंध है लोगों से, और जनता की भावना हमेशा से यही रही है यहाँ का चौमुखी विकास हो। हाँ, रामनिवास रावत ही आएंगे, रामनिवास रावत जी ने 1,000 करोड़ रुपए के काम स्वीकृत कराए हैं। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे विजयपुर जिला होगा, विजयपुर जिला मतलब होना चाहिए, ये मुद्दा है। और बाकी क्या क्या मुद्दे हैं? जिला बनना चाहिए विजयपुर। क्या आपकी बार क्या माहौल है, क्या दिख रहा है अभी? अब की बार बहुत बढ़िया माहौल है और भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से चुनाव जीतेगी। आप बताइए भाई साहब, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं खासकर इस चुनाव में, अबकी बार किन को लेके आप वोट डालेंगे, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? मुद्दे को तो सभी मुद्दे बराबर है, चरण में आए हैं तो कौन कौन से मुद्दे? पूरे भारत में सबके लिए मकान, सबके लिए मकान, किसानों के लिए पैसा 12,000। लोगों की डिमांड है, अब देखना यही है कि इस डिमांड को कौन पूरा करता है और लोगों की जो सोच है उसको कौन पूरा करते हुए जीत हासिल करता है, जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है।